हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों की एक फेमस स्वीट डिश है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने किचन की ओर। गाजर के हलवे के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 2 किलो ली है गाजर, जिसको मैंने धो के ग्रेट कर लिया है। 700 ग्राम दूध लिया है और देसी घी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स, मैंने ली हैं काजू बादाम, आप कोई भी ले सकते हैं, और 1 बाउल खोया। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। घी हमारा हो चुका है गरम, अब हम इसमें अपनी ग्रेट की हुई गाजर डालेंगे। गाजर हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि उस देसी घी का फ्लेवर गाजरों में आ जाए। गाजर को हमें 10 मिनट तक ऐसे ही घी में पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम गाजर के हलवे को चेक करते हैं। गाजर का कलर भी चेंज हो गया है, अब हम इस स्टेज पे डालेंगे दूध। और इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे ताकि दूध और गाजर मिक्स हो जाएं। अब हम इसे 15 मिनट बाद चेक करेंगे और हम इसे लिड लगा के हल्का सा खुला छोड़ेंगे ताकि दूध बाहर ना आ जाए, और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। बीच बीच में हम हलवे को चेक करते रहेंगे। और इसे हिलाते रहेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक इसमें से दूध सूख ना जाए। इसमें लगभग आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही रखना है। आधा घंटा हो चुका है, अब हम अपना गाजर का हलवा चेक करेंगे। दूध काफ़ी सूख चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि अगर हम चीनी रुक के डालते हैं तो वो पानी छोड़ेगी, और इस समय डालेंगे तो इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी वो, और टाइम भी कम लगेगा। और साथ में ही हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे ताकि वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसको भी मिक्स करेंगे। लिड को हम पूरा ढकेंगे और 15 मिनट बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने हलवे को चेक करते हैं। हलवे में लगभग दूध सूख चुका है और अब हम इसमें डालते हैं खोआ। थोड़ा सा खोया हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे और 2 से 3 चम्मच देसी घी भी डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवा हमारा लगभग बन गया है, लेकिन 5 से 7 मिनट इसमें और लगेंगे। हलवा हमारा बन चुका है और गैस की फ्लेम करते हैं हम बंद, और हलवा दिखने में भी टेस्टी लग रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अब हम इसे गार्निश करते हैं खोए के साथ और कुछ ड्राई फ्रूट के साथ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।